दोस्तों आपको बता दें कि आज लेजेंडरी एक्टर विक्रांत मासी और यामी गौतम स्टार फिल्म गिन्नी वेट सन्नी फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर आज आखिरकार रिलीज किया जा चुका है और ट्रेलर सही में काफ़ी ज़्यादा जबरदस्त और धमाकेदार दिखा है और जिसे देखने के बाद सभी ने इस ट्रेलर को काफ़ी अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी दिया है और सभी क्रिटिक्स को भी यह ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया है। बता दें कि यह फिल्म एक फैमिली कॉमेडी फिल्म होने वाली है और इसीलिए फिल्म का ट्रेलर हमें पूरा कॉमेडी से भरा हुआ दिखा है। हालांकि दोस्तों आपको बताते चले कि ट्रेलर तो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार है पर फिल्म का सेकंड सॉन्ग जो कि ट्रेलर में हमें दिखाया गया है वो और भी काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार है। बता दें कि गिन्नी वेट सन्नी फिल्म के सेकेंड सॉन्ग का टाइटल होने वाला है सावन में लग गई आग, जो कि एक रीमेक सॉन्ग होने वाला है जिसको एक बार फिर से मीका सिंह ने ही अपनी आवाज़ दी है। हालांकि बताते चले कि मीका सिंह के साथ साथ इस सॉन्ग को दो और लोगों ने अपनी आवाज़ दी है, जहां इस सॉन्ग में बादशाह और नेहा कक्कर ने भी अपनी आवाज़ दी है। तो देखा जाए तो यह सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार और ज़बरदस्त होने वाला है और अब जल्दी इस सॉन्ग को रिलीज़ भी किया जाएगा और रिलीज डेट बताई जा रही है अगले हफ्ते। तो देखा जाए तो फिल्म का सेकेंड सॉन्ग हमें अगले हफ्ते देखने को मिलने वाला है। दोस्तों आप कितने एक्साइटेड हैं इस सॉन्ग के लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपको फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं और बॉलीवुड से लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले।